श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम सामने वाले को प्यार दे सकते हैं और उसका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, कल्पना शक्ति। जी हाँ, जो हम चाहते हैं जिंदगी के अंदर बनना, एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं हम, लाइफ के अंदर हर मुकाम को पाना चाहते हैं, मगर हमारी कल्पना शक्ति के अंदर वीकनेस आ जाती है, उसके अंदर किंतु परंतु आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इच्छाएं हैं वो वहीं की वहीं रह जाती है और हम दूसरे पाथ पे चले जाते हैं। तो आज मैं आपको टेक्निक बताने के लिए आई हूँ कि किस तरीके से हम अपने उस मुकाम तक पहुंचे जो हम सोचते हैं, जो जहां पर हम बनना चाहते हैं, जो हम जिंदगी के अंदर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आपने करना क्या है, ध्यान एक कमरे के अंदर आपने बैठना है और बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाना है और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देनी है। आंखें बंद करने के बाद में आपने ऐसा फील करना है कि बराबर वाले कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी है। अपनी बंद आंखों से, जी हाँ अपनी बंद आंखों से आपने वो सब चीज़ें देखनी है। घर के अंदर टीवी, उस कमरे के अंदर टीवी कहाँ रखा है, बेड कहाँ रखा है, आपने अपना मोबाइल कहाँ रखा है, आपने आपका मेकअप का सामान कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ये जो टेक्निक है इससे क्या होगा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उन सब चीज़ों को ग्रैप करना शुरू कर देगा, तो आपकी जो इमेजिनेशन होगी ना वो और भी पावरफुल हो जाएगी, वो बहुत फीलिंग के साथ में होनी शुरू हो जाएगी। ये आपने एक हफ्ते तक करना है। उसके बाद में आपने जो जिस मुकाम के लिए आप सोच रहे हैं, जिस सक्सेस के लिए आप सोच रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना है। अब आपने सोचना है कि मैं एक सपोज आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, आपने फिल्म एक्टर बनना है या पॉलिटिशियन बनना है, तो वैसे ही आपने कि मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूं, ऐसा ही हो रहा है और सब लोग बहुत खुश है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा परिवार बहुत हैप्पी है। हमेशा ध्यान रखिए, जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलता है तो हमारा अल्फा लेवल जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। अल्फा लेवल के अंदर हम कोई भी मैसेज देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैब कर लेता है और वही साकार कर देता है, वही हमारा फ्यूचर बना देता है। ये आप करके देखिए, 21 दिन लगातार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं तो उसके पाथ खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे आप लोगों से आपको मुलाकात होने शुरू हो जाएगी और आप अपने मुकाम तक पहुंचना एकदम से स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा और सोसाइटी के लिए हमेशा अच्छा काम करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। मुकाम तक पहुंचना एकदम से स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर बताइएगा। खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा और सोसाइटी के लिए हमेशा अच्छा काम करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय श्री।